हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चांद स्टडी पॉइंट। दोस्तों, यदि आप जेई पीवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस जो है मालूम होना चाहिए, ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना बचे और आप अच्छे से तैयारी कर पाए। कितना मार्क्स आपके सर्विस रिकॉर्ड से जोड़ा जाता है, किस तरह से आपका रिटर्न का मार्क जो है काउंट होता है, पूरा प्रोसेस आपको एक एक चीज जो है मालूम होना चाहिए। मैं इस वीडियो में जो वर्तमान में सभी डिवीजन में सेम ही क्राइटेरिया चलती है और ओवरऑल जो इंडिया में जितने भी डिवीजन है उसमें सेम फंडा अभी वर्तमान में आपका पीवे एग्जाम में अपनाया जाता है। 20% कोटा के तहत या प्रमोशनल कोटा के तहत भी वही नियम जो है बहुत सारे डिवीजन में अपनाया जाता है। कुछ कुछ डिवीजन में प्रमोशनल कोटा के जो एग्जाम डीपीक्यू को होता है उसका थोड़ा अलग फंडा अपनाया जाता है। तो मैं 20% कोटे के तहत जो एग्जाम आप लोग देंगे उसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 110 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 110 नंबर में जो 10 क्वेश्चन जो होगा ये राजभाषा का होगा। 10 क्वेश्चन जो होता है ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, राजभाषा का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। इसमें जो आपको अटेम्प्ट करना है मात्र 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप कहीं से भी 10 क्वेश्चन इसे छोड़ सकते हैं। यदि आपने 105 अटेम्प्ट कर दिया तो आपका जो लास्ट का 5 क्वेश्चन हो जाएगा वो बर्बाद चला जाएगा, ऊपर से 100 तक ही काउंट करेगा। इसलिए आप 10 क्वेश्चन कहीं से अवश्य छोड़ दीजिए। राजभाषा का क्वेश्चन ईजी होता है, 10 क्वेश्चन इधर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो 10 क्वेश्चन इसे बनाइए, नुकसान आप लोग होने नहीं दीजिएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे पास होने के लिए जो आपको मार्क्स चाहिए, 60% मार्क चाहिए पास के लिए, 60% मार्क आपको पासिंग चाहिए। ये मार्क्स इसी में से आपको पासिंग चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने 100 में से आप इसका 60% मार्क एब्जॉर्ब किया, कितना, तो टोटल 60 नंबर आपने किया, तो आप क्या हो जाएंगे, यहाँ से क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। यहां से देखिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे, 60% मार्क आ जाएगा। अब यहां पे मान लीजिए 60 नंबर आपने प्राप्त किया, 60 नंबर में आपको जो यहाँ पे 50% मार्क सिर्फ काउंट होता है, ध्यान दीजिएगा। 50% मार्क का मतलब कि जितना भी आप करेंगे, यहाँ पे देखिए 60% जो हो गया यहाँ से इसका भागा 2 कर दीजिए तो आपका एक्चुअल जो नंबर निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। मतलब 100 में 60 नंबर लाए तो आपका जो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 30 नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं APR पे। APR में आप जब खोलेंगे HRMS में जाके, के APR सेक्शन है, उसमें आप देखेंगे कि आपका मार्क्स दिया होगा गुड, वेरी गुड और आउटस्टैंडिंग्स और एवरेज, ये 4 मार्क्स दिए जाते हैं। रिमार्क्स देखिएगा आपका कितना है, रिमार्क्स पे ही आपको नंबर मिलेगा, चाहे आपको 40, 32, 35 कुछ भी मार्क्स दे दिया होगा, डिपेंड नहीं करेगा इसमें, आप देखिएगा आपका रिमार्क्स दिया रहेगा, ठीक है। यदि आउटस्टैंडिंग है तो आपको यहाँ से 10 नंबर एक साल का काउंट किया जाएगा, टोटल आपका बैक 3 इयर्स का देखा जाता है, ठीक है। यदि मान लेते हैं कि आपने एक साल आउटस्टैंडिंग प्राप्त किया, दूसरा जो है वेरी गुड प्राप्त किया, यहाँ से जो नंबर मिलेगा आपको 8 नंबर मिलेगा, और तीसरा साल आपने मान लीजिए गुड प्राप्त किया, यहाँ से जो नंबर मिलेगा आपको 6 नंबर मिलेगा। ज्यादातर यही दिए जाते हैं और ये आउटस्टैंडिंग गिना चुना लोग को मिलता है, सुपरवाइजर लोग को पता नहीं क्या हो जाता है, वो लोग भी डर के मारे, वो लोग को तो जाता कुछ नहीं है लेकिन नुकसान जो है कर्मचारी को हो जाता है। यदि आउटस्टैंडिंग देगा तो उसका तो कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन जो है उसको जो है कुछ फायदा मिल जाएगा जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा है। तो आपने कितना प्राप्त किया, 10, 8, 18, 6, 24 सर्विस रिकॉर्ड से 24 नंबर प्राप्त किया, और इधर से आप कितना प्राप्त किया, 60 में जो है आप प्राप्त किया था इसका 30 नंबर, तो 30 + 24 कितना नंबर आपका हो जाएगा, मात्र 54 नंबर आने वाला है, ठीक है। यही आपने 100 में से मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ 80 प्राप्त किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका तो इस तरह से सर्विस है, और जिसका मान लीजिए तीनों साल का आउटस्टैंडिंग दिया रहेगा तो उसको तो यहाँ पे सॉलिड जो है 30 नंबर मिलेगा, और आपको कितना मिला, 24 नंबर मिला, तो यहीं पर उसको 6 नंबर का फायदा हो गया।
झोल कहीं भी नहीं होता है, सेटिंग का ऊपर मत जाइए, बस सर्विस रिकॉर्ड का खेला है यहाँ पे थोड़ा 4-5 नंबर। यदि आप रिटर्न में मान लेते हैं कि 80 नंबर लाए, नॉर्मली आ ही जाता है 80, 90, 100 नंबर के आसपास जो है कैंडिडेट लाता है, क्योंकि फिक्स सिलेबस है। 80 नंबर में आपका जो टोटल नंबर ऑफ 40 काउंट होगा, 3 साल का मान लीजिए वेरी गुड आपने लाया, क्योंकि वेरी गुड ही दिया जाता है, तो 3 साल में वेरी गुड आपका मार्क्स है, तो यहाँ पे कितना टोटल हो जाएगा 24। तो इतना आपका टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 नंबर पे आपका मेरिट जो है दिया जाएगा। ध्यान दीजिए सभी का ऐसी रेंज में आएगा, कोई मान लेते हैं 90 कैंडिडेट लाया नंबर, तो उसका कितना जुड़ेगा यहाँ पे 50%, 45 नंबर जुड़ेगा, और 30 नंबर जो है सर्विस रिकॉर्ड से अधिकतम आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ कितना पे मेरिट बनेगा, 80 नंबर पे यहाँ पे मेरिट बनाया जाएगा। समझ गए, ये फार्मूला जो है अपनाया जाता है। और ये भी यार आप लोग HRMS में खोल के देख लीजिए, उसमें आप लोग को दिखाएगा रिमार्क्स, वहाँ पे जो है जो 2400-2800 ग्रेड पे वाले हैं उसको शायद 2800 ग्रेड पे वाले को नहीं भी रिमार्क्स दिखाएगा। तो ये चीज़ फार्मूला के ध्यान देते हुए आप लोग बेटर तैयारी कीजिए, 100% आपका रिजल्ट होगा। धन्यवाद।